भजनलाल सरकार का 10 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से सीमावर्ती जिले जैसलमेर को भी बहुत सारी उम्मीद है। और जी मीडिया से बात करते हुए लोगों ने बताया कि हम बिजली की समस्या से निजात मिलने की भी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। देखिए, का 10 तारीख को बजट आने वाला है। सीमावर्ती जिले जैसलमेर को इस बजट से क्या उम्मीद है, हम इसको लेकर जैसलमेर के कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस बजट में जैसलमेर जो कि एक टूरिज्म एरिया है और यहाँ पर कई चीजों की तलाश है, इसको लेकर इस बजट में क्या मिलना चाहिए, इनसे हम बात करेंगे कि राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है 10 तारीख को, क्या उम्मीद करेंगे जैसलमेर को, क्या उम्मीद है इस बजट से। जैसलमेर एक सीमावर्ती क्षेत्र है और बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर लाइट नहीं मिल रही है और बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हब है वो जैसलमेर है और राजस्थान की 50% बिजली है वो जैसलमेर से उत्पन्न होती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है और जब रबी की फसलें होती है तब किसान यहाँ पर किसानों को रोना पड़ता है और लगातार यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं क्योंकि फसलें जलकर के नष्ट हो जाती है और बिजली नहीं मिल रही है। जैसलमेर टूरिज्म एरिया है और टूरिज्म पर ही डिपेंड है, सबसे ज्यादा मुख्य व्यवसाय टूरिज्म है, टूरिज्म को लेकर क्या तलाश है इस बार बजट में। बिल्कुल, जैसलमेर जो है टूरिज्म शहर, मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं अगर टूरिज्म की बात करूँ तो सबसे पहले जैसलमेर जो पर्यटक जो एक या दो दिन रुकते हैं, मुझे लगता है वो 3 से 4 दिन रुकना चाहिए। जिस तरीके से अमृतसर में जो बाघा बॉर्डर है उसके तर्ज पे हमारे जैसलमेर में तनोट माता के मंदिर के पास में अगर बाघा बॉर्डर की तर्ज पे अगर जिस तरीके से वो कार्यक्रम होते हैं और अगर जैसलमेर भी हो तो एक इससे और पर्यटकों का बढ़ सकता है। पर्यटन से आसान है, क्या कहेंगे युवा हैं आप बजट को लेकर, इस बार बजट में क्या क्या उम्मीद करते हैं कि हमें जैसलमेर के स्थानीय लोगों को लेकर बजट में कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसलमेर हम अपेक्षा करते हैं, जैसलमेर के लोग अपेक्षा करते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए और जैसलमेर दूर दराज से इलाका है और जैसलमेर पर्यटक दृष्टि भी रखता है, इसीलिए जैसलमेर में ज्यादा से ज्यादा उद्योग खुले और सरकार जैसलमेर के ऊपर विशेष ध्यान दे जिससे आने वाले समय में जैसलमेर के युवाओं का विकास हो और जैसलमेर विश्व स्तरीय पहचान बना सके। ये थे जैसलमेर के कुछ स्थानीय लोग जिन्होंने आने वाले बजट से उम्मीद रखी है कि जैसलमेर के स्थानीय लोगों को बिजली से बहुत बड़ी राहत मिलनी चाहिए, साथ ही भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन और शिक्षा के क्षेत्र में और जैसलमेर पर्यटन क्षेत्र में